स्टूडेंट्स, आई एम निधि एंड टुडे वी विल डिस्कस आर पोयम फ्रॉम बुक फ्लैमिंगो फ्रॉम क्लास 12th. द पोयम नेम इज अ रोड साइड स्टैंड एंड इट इज रिटन बाय इट्स पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एज वी नो, His poems are concerned with human tragedies and fear and his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. In this poem, the poet presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. So without wasting our so much time, let's discuss our poem. And one did not, and one did stop, but only to blow up grass. In using the yard to back and turn around. यानी हमने जब पहले पढ़ा था तो पहले वाले ने, अब वो बताता है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितनी कार्स उसके वहाँ पर आकर, ये जो सेलर होते हैं, फ्रूट सेलर्स जो कंट्री साइड में होते हैं, यहाँ पर आकर रुकती हैं. तो हमारी फर्स्ट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि एक कार रुकती है वहाँ पर सिर्फ ये पूछने के लिए कि फार्मर्स के प्राइस क्या हैं. अब यहाँ पर पोएट कहता है कि एक और कार भी रुकी, एंड वन डिड स्टॉप, एक और कार भी रुकी, बट ओनली टू प्लो अप. यानी प्लो अप का मतलब होता है जैसे यू टर्न हम लेते हैं रास्ता, ठीक, शायद वो गलत आ गया हो तो उसने यू टर्न लिया, तो यू टर्न लेने के लिए उसने उसके ग्रास का, जो उसके आसपास जो वहाँ पर उनके जहाँ पर वो बेच रहे हैं मकान के आसपास जो ग्रास वगैरह होगी, उनके यार्ड को बैक और टर्न करने के लिए उसने यूज़ किया है अपनी कार को. मतलब दैट मीन्स उसकी घास भी उन्होंने उन लोगों ने ख़राब कर दिया यू टर्न लेने के लिए. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड. और दूसरी गाड़ी रुकी तो वो रास्ता पूछने के लिए रुकती है. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस. गैलन ऑफ गैस का यहाँ पर बेटा जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर तो पेट्रोल बोलते हैं, उनके वहाँ पर पेट्रोल को गैलन ऑफ गैस बोला जाता है. तो यहाँ पर यानी ऑलमोस्ट चार गाड़ियाँ रुकी हैं, एक ने फार्मर के प्राइस को पूछा, एक ने यू टर्न ले ली जिसके कारण उनके घास जो थी उनके आसपास के घरों के आसपास वो भी ख़राब हुई, और एक ने सिर्फ ये पूछने के लिए रुकी कि भई ये रास्ता जो है वो कहाँ जा रहा है, और एक इसलिए रुकी कि वो ये पूछे कि गैलन ऑफ गैस यानी उनके पास पेट्रोल है या नहीं है. दे कुडंट दिस क्रॉसली. दिस क्रॉसली का मतलब होता है कि उसने, पोएट ने बड़े गुस्से में कहा है कि उन लोगों के पास नहीं है, दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि उनके पास पेट्रोल नहीं है. ये सारी बातें दिस क्रॉसली का मतलब, यहाँ पर पहले भी ये वर्ड आया था उसमें यही मतलब निकलता है कि उसने, पोएट ने गुस्से से कहा. नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन. कंट्री मनी का मतलब होता है, कंट्री का यहाँ पर मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग रूरल एरियाज़ को विलेज या विलेज बोल देते हैं, तो वहाँ पर रूरल एरियाज़ के लिए हमेशा जो है कंट्री वर्ड, कंट्री साइड का वर्ड यूज़ किया जाता है. द कंट्री स्केल ऑफ गेन, स्केल ऑफ गेन का मतलब है रेट ऑफ प्रोग्रेस. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर के जो जितना भी इनके पास मनी है वो सारे के सारे जितना भी रेट ऑफ प्रोग्रेस है, द रिक्विसाइट, रिक्विसाइट का मतलब असेंशियल, द रिक्विसाइट लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड. उन सब के आधार पर भी लाइफ ऑफ स्पिरिट का क्या मतलब होता है कि उनको बेसिक चीज़ें अभी भी नहीं मिलती हैं. दैट मीन्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अभी भी नहीं मिल रही है, उनका रेट ऑफ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जितना कि कंपेरिजन में सिटी एरियाज़ में हो रहा है. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. और यही सारी चीज़ें जो हैं इन कंट्री वाले लोगों की यानी इन रूरल एरियाज़ वाले लोगों की हमेशा कंप्लेन करने के लिए ही यही आवाज़ जो है वो सुनने को आती है. आई कॉन्ट हेल्प अनोइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. अब यहाँ पर पोएट जो है वो अपनी बात कहते हैं कि भाई अनोइंग मतलब
ऑनिंग का मतलब होता है ड्रीम। अब ये कहते हैं कि मैं खुद को जो है ये मजबूर करता हूँ कि भाई मैं ऐसे सपने देखता हूँ कि इन लोगों को एक ग्रेट रिलीफ मिल पाए। मैं एक ही झटके में, एट वन स्ट्रोक है ना, एक ही झटके में इन लोगों की सारी मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म कर दूँ। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन। अब इन सेन का मतलब तो होता है पागलपन, और सेन का मतलब होता है साउंड माइंड के साथ। लेकिन जैसे ही मैं अगले दिन, यानी जब मैं पोएट जो है वो ड्रीम करता है कि काश कुछ ऐसा हो कि मैं एक ही झटके में इन सारे कंट्री लोगों की जो है दर्द को मिटा सकूं, लेकिन वो जैसे ही अपने इस पागलपन से बाहर निकलता है यानी रियलिटी वाली दुनिया में आता है, आई वंडर वो मतलब चाहता है। वंडर का यहाँ पर मतलब चाहना से है, किसी चीज़ का चाहना। आई वंडर वो चाहता है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। कि जब अगले दिन मैं अपने मतलब साउंड माइंड से इन बातों को सोचता हूँ, एक बार तो वो बह जाता है इनके साथ, ठीक है, लेकिन जब वो अपनी रियलिटी वाली लाइफ में आता है तो जब उसकी साउंड माइंड से वो सोचता है तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर मेरा दुख जो है वो धीरे धीरे ख़त्म करने को कहें, यानी मुझे इस पागलपन वाली बात से निकालें कि मैं ये सारी जो बेफजूल की चीज़ें सोचता हूँ वो ना सोचूं। और दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि पोएट आप लोगों से ये चाहता है कि आप लोग भी उसके जो वो हेल्प करना चाहता है इन कंट्री लोगों की, उन लोगों के भी आप लोग भी सोचना शुरू करें। दैट्स ऑल अबाउट अस आर पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।